हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चनों की, जो जेट, आईसीआर, बीएचयू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इन 30 क्वेश्चनों को आपको पर डे वीडियो मिलेगी एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपको इन क्वेश्चंस का गुरुवार और रविवार को टेस्ट रहेगा, जो टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 328 मिलियन हेक्टेयर राजस्थान का इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, मिलियन हेक्टेयर। यदि अपने बात करें राजस्थान का कितना है, तो 34.2 मिलियन हेक्टेयर है। ये क्वेश्चंस के ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, साथ साथ नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज रिलेटेड विद, यानी कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कार्य किस पे डिपेंड करता है, कौन से न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करता है, तो पोटेशियम पे डिपेंड करता है, ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ड्वार्फनेस इन शुगर कैन इज कॉज्ड बाय, यानी कि शुगर कैन में ड्वार्फनेस जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, वो वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटीज हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन दशहरी इंटू नीलम, यानी कि दशहरी और नीलम जो वेराइटी है उनके क्रॉस से कौन सी किस्म मिली है, तो डी, इसकी शॉर्ट ट्रिक है डी एन और ए, डीएनए, बायोलॉजी का जो डीएनए होता है वो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, दशहरी नीलम बराबर आम्रपाली, बराबर आम्रपाली। और यदि अपने देखें नीलम इंटू दशहरी दिया हो, तो अपने उससे मल्लिक का किस्म बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 5 नंबर, रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मैथ्स, मैथ्स का बॉटनिकल नाम दिया हुआ है जी ऑफ मैथ्स, इज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, मैथ्स में रेड एंड पर्पल कलर है वो किस वजह से आता है, वो फास्फोरस पी की वजह से आता है, पी की डिफिशेंसी, फास्फोरस की डिफिशेंसी की वजह से ये कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हनीड्यू इज एन इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ, हनीड्यू किसकी वेराइटी है, हनीड्यू पपीते की वेराइटी है, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 7, पोमोलॉजी इज ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, बोथ 1 और 2, तो जिस शब्द के पीछे नोमस, नोमस और लोगस लगता है वो हमेशा ग्रीक वर्ड होते हैं, वो हमेशा ग्रीक वर्ड होते हैं, बट पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों से बना हुआ है, पोमोस का मतलब फ्रूट, ये लैटिन वर्ड है पोमोस और लोगस ग्रीक वर्ड है, परंतु इसे मेनली लैटिन और ग्रीक दोनों माना जाता है, इसलिए अपना ऑप्शन 4th ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा, पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन वर्ड दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड, केसीसी की जो स्कीम है वो कब लॉन्च की गई, 1998 में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सुजेस्टेड फॉर रिले ग्रुपिंग, तो देखते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये इंडियन फादर ऑफ, लिख लेना साइड में अपने, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन,
भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर शेर सिंह, इन्होंने सुगेस्ट किया था रिले क्रॉपिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 10, फैमिली ऑफ पोटेटो। फर्स्ट ऑप्शन शोलेनेसी, सेकंड ऑप्शन नाइटशेड्स, थर्ड ऑप्शन थियासस और फोर्थ ऑप्शन बोथ वन एंड टू। तो सोलेनेसी को नाइटशेड्स भी बोला जाता है, इसलिए अपना ऑप्शन रहेगा फोर्थ, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट इन राइस एट हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम राइस में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो फिक्स है 23% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बेरोमीटर यूज टू मेजर, बेरोमीटर का किसके लिए यूज किया जाता है, तो अपने देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, विंड वेलोसिटी के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है एनीमोमीटर, विंड डायरेक्शन के लिए विंड वैन का यूज किया जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनकी वीडियो आपको आई बटन पे दिख रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप किसको माना जाता है, तो लोरसिन को क्वीन ऑफ फूडर क्रॉप माना जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल ईयर कौन सा है, 2010, और 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। नोट कर लेना, 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ केवके इन इंडिया, तो ये ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन ऑल टाइप हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ इंडिया केवके इन इंडिया 716 है और इसमें रॉन्ग टाइप हुआ है। यदि अपने राजस्थान की बात करते हैं 44 केवके है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन हर्बिसाइड यूज इन राइस प्लांट में मैन हर्बिसाइड कौन सा यूज किया जाता है, प्रोपेनिल को मैनली हर्बिसाइड के तौर पर राइस में यूज किया जाता है। सीडेड ऑफ हाइब्रिड राइस की सीडेड क्या है, तो 10-15 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, टेस्ट वेट ऑफ फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है, ये एक वीड का मैन वीड है, इसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, 1000 सीड्स का वेट होता है, वो टेस्ट वेट बोला जाता है, वो कितना होता है, 2 ग्राम, बहुत कम इसका टेस्ट वेट होता है। वीट प्रोटीन इज कॉल्ड, वीट की प्रोटीन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसका नाम ग्लूटीन है, ग्लूटीन प्रोटीन वीट में पाई जाती है। मैथ इज सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, मीडियम पोलिनेटेड क्रॉप, नन ऑफ दिस। तो मैथ एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन बैल ऑफ कॉटन, तो कॉटन के एक बैल का वेट कितना होता है, 130 केजी एक बैल का वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट टाइप ऑफ पोटैटो इज,
क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल के वीडियो में अपने पढ़ेंगे तो फ्रूट टाइप ऑफ पोटैटो बेरी है। ओरिजिन पैलेस ऑफ सनफ्लावर इज, सनफ्लावर का ओरिजिन पैलेस कौन सा है? मैक्सिको माना जाता है। सनफ्लावर का ओरिजिन पैलेस मैक्सिको को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज C3 प्लांट? C3 प्लांट कौन सा है? C3 प्लांट वीट है। सोरगम और मैज C4 प्लांट है। C4 प्लांट कौन से हैं? मैज और सोरगम, C3 वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनफ्लावर क्रॉप इज आल्सो नॉन एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ डिफिशेंसी ऑफ। सनफ्लावर एक स्पेसिफिक क्रॉप होती है जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के सबसे पहले इंडिकेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ अपने देखते हैं बोरोन, बोरोन सनफ्लावर को करता है। अपना आंसर यहाँ आता है। सनफ्लावर को कौन इंडिकेट कर, सनफ्लावर किसको इंडिकेट करती है? बोरोन को, ठीक है। जिंक देखते हैं किसको इंडिकेट करता है? मैज को। जिंक है जो मैज को इंडिकेट करता है। आयरन है जो शोरगम को, आयरन शोरगम को इंडिकेट करता है। और सल्फर है जो वीट को, वीट को इंडिकेट करती है। वीट की सल्फर की डिफिशियंसी को वीट इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, प्रोटो एंड्री इज फाउंड इन। प्रोटो एंड्री क्या होता है? जिस भी प्लांट में मेल पार्ट मैच्योर बिफोर द फीमेल, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटो एंड्री, यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट की तुलना में पहले मैच्योर होता है, उसे प्रोटो एंड्री बोलते हैं। प्रोटो गायनी किसे बोलते हैं? फीमेल पार्ट जिसमें मेल पार्ट की तुलना में पहले मैच्योर हो, उसको प्रोटो गायनी बोला जाता है। तो प्रोटो एंड्री क्रॉप कौन सी है? मेज है जो अपने प्रोटो एंड्री क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टोल फ्री नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर कौन से हैं? 1800-1801551 इज टोल फ्री नंबर ऑफ किसान कॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूम क्रॉप इज रिकॉम्बिनेटेड NPK डोज इज, यानी कि लेग्यूम क्रॉप्स में NPK की डोज क्या रखी जाती है? तो 1:2:2 लेग्यूम क्रॉप में NPK की डोज रखी जाती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की डोज कम रखी जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की डोज कम रखी जाती है। नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ न्यूट्रल फर्टिलाइजर, न्यूट्रल फर्टिलाइजर कौन सा है जिस जो न तो एसिडिक नेचर का हो और न बेसिक नेचर का हो, वो न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। तो देखते हैं अपने केन, केन में 25% नाइट्रोजन पाई जाती है, उसमें 12.5% एसिडिक होती है, 12.5% बेसिक होती है, तो ये कुल मिलाकर न्यूट्रल हो जाता है। तो ये एकमात्र फर्टिलाइजर है जो न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन होके आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अपना मूल्यांकन कर सकते हो। और वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई उसे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9875053907 है और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।